Thank you. I want to raise a toast for you two guys. आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पैशनेट लवर्स? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग. मिस सनम, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम? नहीं नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है. उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है. ओह, ये बात है. वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है. तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना हनी? तुम यहाँ पर कम्फर्टेबल तो हो ना? Yes, honey, everything is fine. My pleasure. सुनकर अच्छा लगा. हमेशा खुश रहा करो. वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? I mean, मुलाकात कैसे हुई? पेरिस. कैसरी. फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है? कैसरी यही है, टर्की में. कैसरी में? हाँ, हम कैसरी में मिले थे. तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर कैसरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा. मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी. ओके. प्लीज. कैसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डंपलिंग्स खा रही थी. डंपलिंग? कैसरी? हाँ. में डंपलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डंपलिंग्स कमाल के हैं. और तभी मैंने मिस्टर जान को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई. हाउ रोमांटिक. अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है. बताओ हनी. सारे डंपलिंग्स खत्म हो गए थे. अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डंपलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था. इंटरेस्टिंग. हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डंपलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे. मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है. मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जान बहुत ही बेचारे लग रहे थे. बेचारे. बेचारा. बेचारे. ब्रावो, ब्रावो. सही कहा आपने. फिर मैंने अपने डंपलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जान? जान का मतलब है प्यार. बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है. हाँ, love, love. हाँ, बहुत सारा प्यार. Love, मेरे नाम wow, का ये मतलब है. रियली रोमांटिक. वेरी रोमांटिक. पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ सब डिटेल में बताता हूँ आपको. एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था. वर्कहॉलिक. हाँ, वर्कहॉलिक. मैं रात में वॉक कर रहा था जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ और अचानक से बारिश होने लगी. बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी. हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा. और पेरिस में बारिश कमाल की होती है. और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था. इन्हें मूवीज देखना पसंद है. He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी. मुझे अब भी याद है और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है. वहां थोड़ा अंधेरा भी था तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया. लेकिन फिर उसने पलट कर देखा और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली मैंने देखा कि वो सनम है. सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं. और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डंपलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे. कैसरी में. कैसरी में, राइट. और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई जिसके बिना मैं नहीं जी सकता. ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है. मिस्टर जान, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव स्टोरी. इट्स रियली हार्ट टचिंग, यू नो. टोस्ट हो जाए कायसरी से एपिले तक. ये डंपलिंग्स को गार्लिक योगर्ट में डिप करके खाना पसंद करते हैं. यस, मेरा फेवरेट है. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. प्लेट साफ कर देते हैं. आई कैन इमेजिन. यही रोक दो, मैं यही उतर जाऊंगी. यहाँ? ऑलराइट. सनम. गुड नाइट मिस्टर जान.